हमारे YouTube चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही नायाब जानकारी, ऐसी जानकारी जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बिना शेविंग क्रीम के, बिना बाजार से लिए महंगी महंगी शेविंग क्रीम के, आप शेव घर में ही पड़े हुए उत्पादों से कैसे कर सकते हैं, कैसे आप आसान तरीकों से अपने चेहरे को साफ और मुलायम बना सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यह यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर जाकर उस पर क्लिक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली सारी अपडेट सबसे पहले मिल सके। शेविंग हर व्यक्ति के दैनिक जीवन का अहम हिस्सा है। इसके लिए बाजार में विभिन्न प्रकार के शेविंग उत्पाद भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन यह उत्पाद बहुत ही महंगे होते हैं। साथ ही ये उत्पाद आपकी त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाजार में उपलब्ध जो क्रीम है, इनसे आप इस्तेमाल से आपकी त्वचा के बाल काफ़ी सख्त हो जाते हैं और आपकी त्वचा भी सख्त हो जाती है। इससे आपके चेहरे का ग्लो भी जा सकता है और आपकी उम्र भी ज़्यादा दिखने लगती है। इसलिए आज हम आपके लिए कुछ नेचुरल तरीके लाए हैं, कुछ नेचुरल टिप्स लाए हैं, जिनसे आप आसानी से बिना शेविंग क्रीम के शेव कर सकेंगे। इससे पहले हम आपको एक जानकारी भी देना चाहते हैं कि जब आप शेव करने लगते हैं तो गीले चेहरे की शेविंग सबसे असरदार तरीका है। इससे शेव भी अच्छी तरह होती है और चेहरा भी अच्छा दिखता है। शेविंग प्रक्रिया के अंतर्गत आपको शेविंग से पहले और इसके दौरान अपना चेहरा गीला रखना पड़ता है। इसके साथ अगर आप चाहें तो आप गर्म पानी से, हल्के गर्म पानी से अपना मुंह धो सकते हैं, या एक टॉवल को गर्म पानी में भिगोकर उससे अपने चेहरे पे अच्छी तरह से स्टीम दे सकते हैं। इससे आपके चेहरे के बाल बहुत ही मुलायम हो जाएंगे और आपको शेविंग करने में बहुत ही आसानी होगी। इसके साथ ही कई पुरुषों को स्क्रब करना पसंद नहीं होता, लेकिन स्क्रबिंग के बाद शेव करने पर त्वचा पर कट या खरोंच की आशंका कम हो जाती है। स्क्रबिंग से त्वचा के डेड सेल्स की परत भी निकल जाती है और त्वचा स्मूथ हो जाती है। इससे शेव करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए जानते हैं किन तरीकों से आप नेचुरली तौर पर शेविंग कर सकते हैं, जिसमें आपको शेविंग क्रीम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले है, एक कटोरी में थोड़ा सा हल्का गर्म पानी लीजिए और 3-4 मिनट अच्छे से चेहरे की मसाज कीजिए। इसको करने के बाद एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर इससे अपने चेहरे की शेव वाली जगह पर अच्छे से आपको मसाज करनी है। ऐसा करने से आपके चेहरे के बाल नरम हो जाएंगे और अब आपका चेहरा शेव करने के लिए तैयार है। इस तरह शेव करने से आपके चेहरे में ग्लो आएगा और आपकी स्किन भी हार्ड नहीं होगी। दूध एक नेचुरल क्लींजिंग का काम करता है और चेहरे पर ग्लो लाता है। इससे आपके चेहरे की सारी गंदगी बाहर चली जाती है और आपकी स्किन पहले की तरह दमकने लगती है। अगला तरीका, दही से भी आप अपने चेहरे की बहुत अच्छे से शेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा दही अपने हाथों पर लेकर इससे कुछ मिनटों तक अपने चेहरे की मसाज करनी है। आप पाएंगे कि कुछ ही मिनटों की मसाज के बाद आपके चेहरे के बाल मुलायम हो गए हैं और आपका चेहरा शेव करने के लिए तैयार है। दही के मसाज से आपके चेहरे के पोर्स खुल जाएंगे, जो धूल और गंदगी के कारण रेगुलर तौर पे आपके चेहरे के पोर्स खुलने के बाद आपको फ्रेश महसूस होगा और आपका चेहरा भी ग्लो करने लगेगा। अगला तरीका है, नारियल के तेल से या सरसों के तेल से अपने चेहरे की मसाज। इसके लिए आप एक कटोरी में थोड़ा सा नारियल का तेल लें और उसमें कुछ बूंदे आपको पानी की भी ज़रूर मिलानी है। इसको अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको अपने हाथों पर लेकर अपने चेहरे पर अच्छी तरह से कुछ मिनटों तक आपको मसाज करनी है। इससे आपके जो चेहरे के बालों की जड़ें हैं वह मुलायम हो जाएंगी, साथ ही आपके चेहरे के बाल जो शेव करने के लिए तैयार हैं वह भी मुलायम हो जाएंगे। इसके बाद आप अपने चेहरे पर अच्छी तरह से शेव कर पाएंगे। इससे आप पाएंगे कि ऑयल की मसाज करने से आपके चेहरे पर कम से कम कट लगेंगे और आपका चेहरा भी साफ सुथरा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, ज़्यादातर लोग आफ्टर शेव लोशन का इस्तेमाल करते हैं। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि आप नेचुरली तौर पर भी आफ्टर शेव
की जगह नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो टी ट्री ऑयल, जो कि एक एंटीसेप्टिक का काम भी करता है, उससे भी आप अपने चेहरे की मसाज हल्के हल्के कर सकते हैं। इससे आपके चेहरे पर जलन भी नहीं होगी और आपका चेहरा भी साफ हो जाएगा। साथ ही अगर आप चाहें तो एक छोटा टुकड़ा फिटकरी का लेके उस पे अपने चेहरे को अच्छी तरह से हल्के हाथों से रगड़ लें, ये भी आपके लिए आफ्टर शेव लोशन का ही काम करेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है ऊपर बताए हुए तरीकों को आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, और जो महंगी क्रीम आप बाज़ार से ख़रीदते हैं उसका इस्तेमाल भी आपको अब से नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।